वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊँ एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी व्हाइट फॉरेस्ट मार्बल ग्लेस केक, जिसे बनाना भी आसान है और खाने में उतनी ही यम्मी लगती है। और मैंने जो होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसी में से चॉकलेट प्रीमिक्स यूज़ करके ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था। तो आज हम वैसे ही ऑल फ्लेवर प्रीमिक्स का यूज़ करके व्हाइट फॉरेस्ट मार्बल ग्लेस केक बनाने के लिए वेनिला स्पॉन्ज भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। केक हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो उसके लिए कढ़ाई को सबसे छोटे वाले गैस बर्नर पे रखकर अंदर रिंग रख देंगे और ढककर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देंगे। अब केक बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 इंच का टिन लिया है और अब इसमें हम ऑडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर को टिन में रख देंगे। ये ऑडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर नॉनस्टिक है, जिससे पेपर को न ग्रीस करना पड़ेगा और केक बेक होने वक्त जलेगी भी नहीं और केक आसानी से डिमोल्ड भी हो जाएगी। तो ऑडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हो। अब साइड में भी पार्चमेंट पेपर को लगा देंगे। आप चाहो तो टिन को ग्रीस करके सूखा मैदा छिड़क कर डस्टिंग भी कर सकते हो। अब हम केक बेटर बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में 200 ml वाले 2 कप भर के ऑल फ्लेवर के प्रीमिक्स को डाल देंगे। कप को ठपठपा कर नहीं भरना है, ना ही प्रेस करके भरना है। तो वजन में देखेंगे तो एक कप में 125 से 130 ग्राम रहेगा, यानी आधा किलो केक बनाने के लिए 250 ग्राम प्रीमिक्स रहेगा। अब इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें कोई भी फ्लेवर वाला यूज़ नहीं करना है, यानी सिंग तेल, सरसों का तेल का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो केक में स्मेल आएगी। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहो तो 1/4 कप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे और 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध डालकर बैटर तैयार करेंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है ताकि बैटर में एक भी लम्स ना रहे और एकदम स्मूथ बैटर बनाना है। दूध हमें ना तो ठंडा यूज़ करना है ना ही गर्म यूज़ करना है। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो केक ऊपर से फट जाएगी और केक कट करने वक्त क्रम्स भी ज़्यादा निकलेंगे, और बैटर ज़्यादा पतला होगा तो भी केक फूलने के बाद बैठ जाएगी। इसलिए केक बैटर भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी। अब बैटर को टिन में डाल देंगे और टिन को टैप नहीं करना है। सिर्फ टिन को इस तरह हिलाकर बैटर को इवनली कर देंगे। 10 मिनट के बाद कढ़ाई भी प्रीहीट हो गई है तो खोल देंगे और टिन को हल्के हाथ से रख देना है। बहुत ऊपर से टिन को छोड़ के पटकना नहीं है, ऐसा करेंगे तो भी केक बेस अच्छा नहीं फूलता है। अब ढक के 5 मिनट तेज आंच पर और 25 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। टोटल हमें 30 मिनट के लिए बेक करना है। 30 मिनट के बाद खोलकर स्टिक डालकर चेक कर लेंगे। देखिए स्टिक क्लियर है, यानी केक बेक हो चुकी है। अगर आपकी स्टिक क्लियर नहीं आ रही है तो 5 से 10 मिनट और बेक करना है, क्योंकि डिपेंड करता है गैस की फ्लेम पर भी। अब 5 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही रहने देंगे। अब 5 मिनट के बाद खोलकर टिन को बाहर निकाल देंगे। देखिए केक बेस कितना अच्छा फूलकर तैयार हुआ है। अब केक बेस को हम टिन से बाहर निकाल देंगे। देखिए कितनी आसानी से केक बेस डिमोल्ड हो गया। अब ये पार्चमेंट पेपर को भी निकाल देंगे और आप देख सकते हो कि हमने कहीं पे ग्रीस नहीं किया था, फिर भी ये ऑडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर कहीं चिपका भी नहीं है। देखिए मैं आपको पास से भी केक बेस दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बेस बना है। आप सारी साइड से देख सकते हो, बेस नीचे से भी सॉफ्ट है। अब बेस को कट करने के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके लिए हम एक कपड़े में बेस को रख कर कवर कर लेंगे कपड़े से और इसे हम उल्टा कर देंगे। तब तक हम व्हाइट फॉरेस्ट केक बनाने के लिए व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ली है, जिसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने वक्त चॉकलेट मेल्ट हो रही है तो आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख कर फ्री ग्रेट करेंगे। 100 ग्राम चॉकलेट में से मैंने ये छोटा टुकड़ा रहने दिया है। अब ये ग्रेट की हुई चॉकलेट को फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये चॉकलेट चंक्स थोड़े ड्राई हो जाएंगे। अब एक टोप में 1 कप एकदम ठंडी मेल्टेड व्हिप क्रीम डाल देंगे और इसे हम बीट करेंगे। क्रीम को बीट करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का ही यूज़ करना है, जिससे क्रीम अच्छे से बीट हो सके। क्रीम को पहले स्लो स्पीड पर बीट करेंगे, फिर हाई स्पीड पर करके बीट करना है। टोटल हमें 8 से 10 मिनट क्रीम को बीट करना पड़ेगा। देखिए क्रीम में इस तरह स्टिप पिक हो रहा है, यानी हमारी क्रीम बीट हो चुकी है।
अब बेस को हम टर्न टेबल पर रख कर कट करेंगे। हम आज मार्बल ग्लेज केक बना रहे हैं, तो केक का शेप हमें डोम शेप रखना है, इसलिए मैं ऊपर से कट नहीं कर रही हूँ, पर आप चाहो तो ऊपर से कट भी कर सकते हो। फिर आपको क्रीम से कवर करके डोम शेप देना होगा। अब बेस को कट करने के लिए पहले बेस पे इस तरह मार्किंग लगा देंगे, जिससे केक बेस इवनली कट हो सके। मार्किंग नहीं लगाते हैं और कट करते हैं तो कभी कभी केक बेस क्रॉस कट हो जाता है। अब केक को हम 3 पार्ट में कट करेंगे। पहला ऊपर का ये पार्ट थोड़ा मोटा कट किया है, क्योंकि मैंने ऊपर से लेवल नहीं किया था, क्योंकि हमें केक का डोम शेप करना है। देखिए, कट करने के बाद आप देख सकते हो कि बेस अंदर से भी कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है। अब दूसरा लेयर भी कट कर लिया है। अब हमारे तीनों लेयर कट करके रेडी है। तो सबसे पहले बेस पे 5 से 6 चम्मच शुगर सिरप डाल देंगे। एक बेस पे 5 से 6 चम्मच शुगर सिरप डालना होगा, और शुगर सिरप बनाने के लिए 2 टेबलस्पून चीनी को 1/2 कप पानी में घोल देना है। अब शुगर सिरप डालने के बाद व्हिपिंग क्रीम को पैलेट नाइफ से स्प्रेड करेंगे। नाइफ को क्रीम स्प्रेड करने वक्त उठाना नहीं है, नहीं तो क्रम्स आ सकते हैं। साइड से भी कवर करते जाएंगे। अब मैंने ये वाइट चॉकलेट चंक्स को फ्रिज से निकाल दिया है, और देखिए फ्रिज में रखने के बाद चंक्स थोड़े ड्राई हो गए हैं, तो अब क्रीम पे डाल देंगे। व्हिपिंग क्रीम के साथ वाइट चॉकलेट का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वाइट चॉकलेट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ 4 से 5 चेरी को काट के छोटे टुकड़े कर दिए हैं, तो उसे भी डाल देंगे, जो केक खाने वक्त बहुत अच्छे लगते हैं और दिखने में भी अच्छा लगता है। अब ऊपर थोड़ी व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करेंगे, ताकि वाइट चॉकलेट और चेरी के टुकड़े क्रीम के साथ सेट हो जाए और केक काटने वक्त और खाने वक्त कुछ भी बाहर ना निकले, और साइड से भी हम कवर कर लेंगे। वैसे ही हम दूसरा बेस रखकर पहले शुगर सिरप डाल के फिर व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करेंगे। व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करने के बाद वाइट चॉकलेट और चेरी के टुकड़े भी डाल देंगे, और वापस व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करके कवर करेंगे, और साइड में भी कवर करते जाएंगे। अब ऊपर का लेयर भी रखकर शुगर सिरप डाल देंगे। आप चाहो तो ये बेस को उल्टा करके पहले शुगर सिरप डाल के फिर केक पे रख सकते हो, क्योंकि ये ऊपर से उतना शुगर सिरप सोख नहीं होगा, तो आप बेस को उल्टा करके अंदर की साइड से सोख कर सकते हो। अब व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करेंगे और पूरी केक को क्रम कोट कर लेंगे, और क्रम कोट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि क्रम कोट क्रीम के साथ सेट हो जाए, जिससे केक का फाइनल फिनिशिंग करने वक्त आसान रहेगा। अब गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम वाइट चॉकलेट ली है, जिसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे और बाउल में भर देंगे। अब डबल बॉइलिंग सिस्टम से चॉकलेट मेल्ट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक टोप में पानी उबलने रख दिया था, तो अब टोप पे बाउल रख कर 2 टेबलस्पून दूध डालकर लगातार चलाते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। दूध की जगह आप चाहो तो फ्रेश क्रीम गर्म करके भी ऐड कर सकते हो। अब ध्यान रखना है कि गर्म पानी बाउल को टच ना हो, सिर्फ स्टीम लगनी चाहिए, और कांच का बाउल माइक्रोवेव हो तो ही गर्म करें, नहीं तो बाउल में क्रैक हो जाएगी। आप चाहो तो कोई भी स्टील का बाउल भी यूज़ कर सकते हो। अब चॉकलेट मेल्ट हो जाने के बाद बाउल को निकालकर गनाश को हल्का ठंडा कर लेंगे। गनाश हल्का ठंडा होने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड व्हिप क्रीम डालकर मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। आप चाहो तो ये गनाश को एक बार छान भी सकते हो, जिससे गनाश एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब फ्रिज से केक को बाहर निकाल दिया है, और व्हिपिंग क्रीम से हो सके उतना फाइनल फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे। हो सके उतना केक को ऊपर से स्मूथ बनाना है। अब केक पे गनाश डालना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ बड़ी थाली में रिंग रखकर जो छानने की छन्नी रहती है वो रख दी है, जिससे एक्स्ट्रा गनाश होगा वह थाली में गिर जाएगा। अब केक को टर्न टेबल से उठाकर जाली पे रख देंगे, और ये पैलेट नाइफ को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें वापस इसे उठाकर केक बोर्ड पे रखना है। अब गनाश में जेल कलर ऐड करेंगे। कलर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, पर 2 से 3 कलर होना चाहिए, तो ही मार्बल इफ़ेक्ट अच्छी दिखेगी। मैं यहाँ लेमन येलो के 5 से 6 ड्रॉप्स, बेबी पिंक के 5 से 6 ड्रॉप्स, और स्काई ब्लू कलर के 5 से 6 ड्रॉप्स का यूज़ कर रही हूँ। कलर आप अपनी चॉइस से ले सकते हो, पर लाइट और डार्क कलर का
यूज़ करेंगे जिससे इफ़ेक्ट अच्छी दिखेगी। अब हम ये कलर को मिक्स नहीं करेंगे और बाउल से ही गनाश केक पे डाल देंगे, जिससे एक से दो कलर मिक्स होने के बाद इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है और अट्रैक्टिव भी दिखता है। जब गनाश केक पर डाले तब केक ठंडी होनी चाहिए और गनाश हल्का गर्म होना चाहिए, तो ही गनाश अच्छे से स्प्रेड हो सकेगा। देखिए अब कितना अच्छा दिख रहा है। आपने जो ज़्यादा कलर ऐड किया रहेगा वो कलर ज़्यादा दिखेगा। मैंने यहाँ ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ किया है तो वो ज़्यादा दिख रहा है। अब इसे हम ऐसे ही 5 मिनट रहने देंगे, जिससे एक्स्ट्रा गनाश होगा वो निकल जाएगा। अब 5 मिनट के बाद केक को पैलेट नाइफ से उठाकर केक बोर्ड पे रख देंगे और नाइफ को भी खींच के निकाल देंगे और किचन पेपर से थोड़ा क्लीन कर देंगे। ये केक में कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। मैं यहाँ नीचे हल्की डिज़ाइन कर रही हूँ, उसके लिए मैंने नूर 12 का नोज़ल लिया है जिसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। अब इसमें 2 बूंद पिंक जेल कलर डालकर बैग में स्प्रेड कर देंगे और व्हिपिंग क्रीम भर देंगे और इस तरह केक में बॉर्डर बना लेंगे। ये ऑप्शनल है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ थोड़ी बॉर्डर बनाई है। बहुत ही यम्मी वाइट फॉरेस्ट मार्बल ग्लेस केक बनकर रेडी है। अब हम कट करके भी देख लेंगे। काटने से ही पता चल जाता है कि बहुत ही सॉफ्ट केक बनी है, अंदर से भी बहुत ही अच्छी दिख रही है और ऊपर से भी कलरफुल दिखती है। तो आप भी ये वाइट फॉरेस्ट मार्बल ग्लेस केक एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।